हालांकि दिल्ली में अधिकांश विद्रोही सिपाही हिंदू थे, विद्रोहियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात मुस्लिम था। घेराबंदी के अंत तक गाजियों का अनुपात स्थानीय लड़ाकू बल का लगभग एक चौथाई हो गया और इसमें ग्वालियर के आत्मघाती गाजियों की एक रेजिमेंट शामिल थी, जिन्होंने फिर कभी न खाने और ब्रिटिश सैनिकों के हाथों निश्चित मृत्यु मिलने तक लड़ने की कसम खाई थी। 91 हालांकि अधिकांश मुसलमान ब्रिटिश प्रशासन के प्रति विद्रोहियों की नापसंदगी को साझा नहीं करते थे, 92 और उनके उलेमा इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि जिहाद की घोषणा की जाए या नहीं। 93 मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे कुछ इस्लामी विद्वानों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हथियार उठाए। 94 लेकिन कई मुसलमान उनमें सुन्नी और शिया दोनों संप्रदायों के उलेमा। 96 दिल्ली में अहले हदीस उलेमा के सबसे प्रभावशाली सदस्य मौलाना सैयद नजीर हुसैन देहलवी ने जिहाद के आह्वान के लिए विद्रोहियों के दबाव का विरोध किया और इसके बजाय ब्रिटिश शासन के पक्ष में घोषणा की। मुस्लिम ब्रिटिश संबंध को एक कानूनी अनुबंध के रूप में देखा जिसे तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक कि उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के सिखों और पठानों ने अंग्रेजों का समर्थन किया और दिल्ली पर फिर से कब्जा करने में मदद की। 98 सिखों को विशेष रूप से उत्तरी भारत में मुगल शासन की बहाली का डर था। 99 क्योंकि उन्हें मुगल साम्राज्य द्वारा सताया गया था। उन्होंने बंगाल सेना में पूर्बिया या पूर्वी बिहारियों और आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों के लोगों के प्रति भी तिरस्कार महसूस किया। सिखों को लगा कि प्रथम और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध चिलियानवाला और फिरोज शाह की सबसे खूनी लड़ाइयां ब्रिटिश सैनिकों ने जीती थी, जबकि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने सिखों से लड़ाई में मिलने से इनकार कर दिया था। 100 ये भावनाएं तब और बढ़ गईं जब हिंदुस्तानी सिपाहियों को पंजाब में गैरिसन सैनिकों के रूप में एक बहुत ही स्पष्ट भूमिका सौंपी गई और उन्हें पंजाब में लाभ कमाने वाले नागरिक पद दिए गए। 99 विद्रोह के समर्थन और विरोध में विभिन्न समूहों की उपस्थिति को इसकी विफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को पूरे भारत का सम्राट घोषित किया गया। अधिकांश समकालीन और आधुनिक विवरण बताते हैं कि सिपाहियों और उनके दरबारियों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें मजबूर किया था। 101 पिछली शताब्दियों में मुगल वंश को मिली शक्ति के महत्वपूर्ण नुकसान के बावजूद उनका नाम अभी भी पूरे उत्तर भारत में बहुत प्रतिष्ठा रखता था। 91 नागरिक कुलीन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने निष्ठा की शपथ ली। सम्राट ने उनके नाम पर सिक्के जारी किए जो शाही स्थिति का दावा करने के सबसे पुराने तरीकों में से एक था। हालांकि मुगल सम्राट के आसंजन ने पंजाब के सिखों को विद्रोह से दूर कर दिया क्योंकि वे मुगल शासकों के खिलाफ कई युद्ध लड़ चुके थे और इस्लामी शासन में वापस नहीं लौटना चाहते थे। पूरे कालखंड में बंगाल प्रांत काफी हद तक शांत रहा। अंग्रेज जिन्होंने लंबे समय से मुगल सम्राट के अधिकार को गंभीरता से लेना बंद कर दिया था, इस बात से हैरान थे कि आम लोगों ने बहादुर शाह के युद्ध के आह्वान पर कैसे प्रतिक्रिया दी। शुरुआत में भारतीय विद्रोही कंपनी की सेनाओं को पीछे धकेलने में सक्षम थे और उन्होंने हरियाणा, बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत के कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। जब ब्रिटिश सैनिकों को मजबूत किया गया और उन्होंने जवाबी हमला करना शुरू किया तो विद्रोही विशेष रूप से केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण की कमी के कारण विकलांग थे। हालांकि विद्रोहियों ने बख्त खान जैसे कुछ स्वाभाविक नेताओं को जन्म दिया जिन्हें बाद में सम्राट ने अपने बेटे मिर्जा मुगल के अप्रभावी साबित होने के बाद कमांडर इन चीफ के रूप में नामित किया, लेकिन अधिकांश भाग के लिए उन्हें राजाओं और राजकुमारों से नेतृत्व की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इनमें से कुछ समर्पित नेता साबित हुए लेकिन अन्य